चीज को 10 बार बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो फिर दोबारा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। लेट्स लिसन अगेन व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। कि अभी देखो कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होता है किसके बीच, कस्टमर ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंट का एयरलाइन से, ठीक है। तो कस्टमर का कम्युनिकेशन हो रहा है उसके फोन से, ठीक, उसके फोन से किसके साथ हो रहा है, ट्रैवल एजेंट के कंप्यूटर सिस्टम से, उसके फोन से ट्रैवल एजेंट के कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रैवल एजेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है ना, उसके ऑटोमेशन सिस्टम से। तो ये आप देखेंगे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अभी डिस्कस कर रहे थे हम, तीन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ देखा कि हमने इसके बैकग्राउंड में गए तो कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, कोई एक चैनल है जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। अब वो चैनल किसका है, कम्युनिकेशन चैनल है, और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर रहा है, दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम से बात कर रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड में जो सिस्टम का काम हो रहा है, ठीक है, वो जो सिस्टम का काम हो रहा है, एक नेटवर्क का काम हो रहा है, तो वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। कस्टमर अपनी डिटेल शेयर करता है थ्रू ईमेल टू ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट उस डिटेल पर टिकट प्रोसेस को, टिकटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है, टिकट प्रोसेस करता है या टिकट बुक करता है। अब वो जो टिकट बुक कर रहा है वो किसके सिस्टम में कर रहा है, अपने सिस्टम में कर रहा है, नहीं, एयरलाइंस के सिस्टम में बुकिंग कर रहा है। तो एयरलाइंस के सिस्टम की उसे एक्सेस मिली हुई है, एयरलाइंस के सिस्टम में वो जाकर के बुकिंग कर रहा है। तो ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को किसको ट्रांसफर किया उसने, एयरलाइंस के सिस्टम को, और एयरलाइंस के सिस्टम ने उस इन्फॉर्मेशन पर बुकिंग किया एयरलाइंस के सिस्टम ने। यानी कि सारा काम इसके बैकग्राउंड में किससे हो रहा है, जीडीएस से हो रहा है, ठीक है, जीडीएस या सीआरएस। तो जैसे ही टिकट बुक हुआ तो एयरलाइंस कंफर्मेशन भेजेगा किसको, ट्रैवल एजेंट को, कि सीट इज कंफर्म, ठीक। पेमेंट किया कस्टमर ने ट्रैवल एजेंट को, ट्रैवल एजेंट ने पेमेंट किया एयरलाइंस को। ये सारा प्रोसेस भी कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड में देखें तो सिस्टम टू सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, अनदर टू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में हो रही है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एयरलाइंस के पास हो गई, आगे की एक मेरे पास पैसेंजर की टिकट बुक, एक पैसेंजर हमारे यहाँ बढ़ गया है, उसकी टिकट बुक हो गई है, कंफर्म हो गई है, ही इज आवर पैसेंजर गेस्ट, ही इज अबाउट टू फ्लाई ऑन द पर्टिकुलर डेट, जो भी ट्रैवल डेट और टाइम है उस पर ही फ्लाई करेगा। अब ये गेस्ट हो गए एक एयरलाइंस के लिए, इतना काम हो गया बैकग्राउंड में, टिकट बुक, वेब चेक इन भी कर लिया पैसेंजर ने, वेब चेक इन से अपना घर बैठे बैठे बोर्डिंग पास भी ले लिया, बोर्डिंग पास भी उसके फोन में आ गया, उसको कोई प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, फोन में आ गया। अब ये जो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, सारा कम्युनिकेशन बैकग्राउंड में सिस्टम आपस में कर रहे हैं, एक चैनल क्रिएट हो रहा है, उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है, इंफॉर्मेशन पास हो रही है, इसको बोलते हैं ईडीआई। क्या बोलते हैं, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, सुनाई दे रहा है सबको या नहीं? Yes, sir. हाँ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा डेटाबेस इंटरचेंज, ईडीआई। डाटाबेस नहीं बोला मैंने, इंटरचेंज। डाटाबेस तो एक स्टोर होता है, डेटाबेस इज स्टोर, स्टोरिंग प्लेस। आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डाटा है आप अपना शेयर कर रहे हो, ट्रैवल एजेंट के पास जा रहा है वो डाटा, फिर वो डाटा जो एयरलाइंस के पास जाता है, एयरलाइंस फिर उस पर फिर क्या कहते हैं, वापस इंफॉर्मेशन देता है एजेंट को, और एजेंट फिर वापस इंफॉर्म करता है किसको, एज ए कंफर्मेशन टिकट, इसको, कस्टमर को। इसके अलावा एयरलाइंस के पास जो आपका डाटा आ गया है, नाउ यू आर द गेस्ट ऑफ द एयरलाइंस, एयरलाइंस इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा एयरपोर्ट को। कहाँ पर होती है ये, एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट के पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, कि कोई वेब चेक इन हो गया है और वो जो है आपके एयरपोर्ट से जाने वाला है, ठीक। तो वेब चेक इन इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई, एयरपोर्ट के पास आ गई, ठीक, बोर्डिंग पास तो एयरपोर्ट से मिलता है ना, तो वो उनको इन्फॉर्म, एयरलाइंस को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है एयरपोर्ट के साथ, एयरपोर्ट के डाटाबेस में आ गया कि कोई पैसेंजर उसके एयरपोर्ट से जाने वाला है। तो वो भी क्या कि इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, इन्फॉर्मेशन कैसे पास हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, पीछे सिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट के पास आ गई, एयरलाइंस के पास इन्फॉर्मेशन है, अगर ये, अगर किसी उस कस्टमर की जर्नी जो है कनेक्टिंग जर्नी है, कैसी जर्नी है, कनेक्टिंग,
तो इस एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है, सॉरी इस एयरलाइंस का काम होता है कि ये उस इंफॉर्मेशन को कनेक्टिंग फ्लाइट को भी ट्रांसफर करती है, अपने पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन को किसको ट्रांसफर कर रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट को, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट को भी पता होना चाहिए कि उसके उसके फ्लाइट से कौन कौन कितने पैसेंजर और कौन कौन पैसेंजर जाने वाले हैं। हर पैसेंजर का रिकॉर्ड जो है कनेक्टिंग एयरलाइंस के पास भी होना जरूरी है। तो ये सब भी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन सारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है ईडीआई किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू ही सारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं आपको ई टिकटिंग में जो ई वर्ड है मैं उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका ये क्या है प्रैक्टिकल जिसको आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें किसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, जो है कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ, जितने भी कनेक्टिंग फ्लाइट है सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ कनेक्टिंग एयरपोर्ट है, कनेक्टिंग एयरपोर्ट पर भाई ट्रांजिट करेगा पैसेंजर, तो कनेक्टिंग एयरपोर्ट के पास भी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग एयरपोर्ट के पास भी जो फर्स्ट एयरलाइंस है, ठीक है, फर्स्ट एयरलाइंस को बोलते हैं प्रेडिसेसर, तो फर्स्ट एयरलाइंस उसकी जिम्मेदारी, उसका काम होता है कि उसको जो है इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स को भी देनी है, तो ये सारा भी ईडीआई। अब ये इंफॉर्मेशन जो अराइवल एयरपोर्ट है, लास्ट एयरपोर्ट, फाइनल डेस्टिनेशन पर फाइनल एयरपोर्ट या अराइवल एयरपोर्ट को भी पता होना चाहिए कि वहां उसके एयरपोर्ट से कौन कौन से पैसेंजर डिपार्ट करने वाले हैं, चेकआउट करने वाले हैं। उसके पास चेकआउट की डिटेल नहीं होगी तो चेकआउट नहीं कराएगा, उसके पास चेकआउट की डिटेल होनी चाहिए। तो उस एयरपोर्ट को भी ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पास की जाती है, फर्स्ट एयरलाइंस ही पास करेगी। फर्स्ट एयरलाइंस का काम है कि इंफॉर्मेशन वो वहाँ पास करे, तो उस एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन आएगी, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको चेकआउट देगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर करने से हो रहा है, तो इस शेयरिंग को बोलते हैं, इस डाटा शेयरिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। ये एक ऑटोमेशन मैंने आपको बताया फ्रॉम डिपार्चर टू अराइवल, ठीक है। अभी घर बैठे बैठे कस्टमर ने क्या किया कि उसने अपना ट्रेवलर ने अपना जो है बोर्डिंग पास अपने घर बैठे बैठे वेब चेक इन से ले लिया। अगर वो बोर्डिंग पास वेब चेक इन से ना लेकर के एयरपोर्ट पर जाकर के कियोस्क से लेना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसे क्यू में नहीं जाना है, तो वो जो है चेक इन काउंटर से नहीं लेगा बोर्डिंग पास, नहीं लेना चाह रहा, वो चाह रहा है कि मुझे कोई एक सेल्फ एटीएम मिल जाए तो मैं वहां से ऑटोमेटिक टेलर मशीन मिल जाए, ठीक है, ये वो एटीएम नहीं है जहां से पैसे निकालते हैं, ठीक, असिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ मनी वो अलग चीज है, ठीक है, मशीन, सॉरी, असिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ मशीन, तो उससे कुछ मिल जाए उसको, तो मैं टेक्निकल चीजें कुछ यहाँ बीच में ला दी, लेकिन दरअसल ये एक तरह का एटीएम ही होता है क्योंकि कि जहाँ हम गए और हमने कुछ डिटेल दी और कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसने हमें, उस मशीन ने हमें हमारा बोर्डिंग पास दे दिया, तो एक इस तरह का एक छोटा सा मशीन एयरपोर्ट्स पर एज ए क्योस्क होता है, ठीक है। तो हम एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पर हमें जिस फ्लाइट को पकड़ना है उस एयरलाइंस के हमने क्योस्क को देखा, क्योस्क पर गए, क्योस्क पे गए और क्योस्क पर जो भी डिस्प्ले आ रहा है वहां पे हमसे हमारी डिटेल पूछी उसने, हमने उसमें डिटेल में अपना नाम नहीं देना है, वो आपसे बोर्डिंग पास नंबर, सॉरी क्या मांगेगा, पीएनआर नंबर मांगेगा, आपको सिर्फ पीएनआर नंबर उसमें देना है। अब पीएनआर नंबर आपके कहाँ है, आपके टिकट पर, टिकट कहाँ है, आपके फोन में है, आपके पास कोई पेपर नहीं है, ठीक है, आपके फोन में पीएनआर है, पीएनआर नंबर आपने वहां से देखा और उस क्योस्क में एंटर किया, क्योस्क में एंटर करते ही आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, जैसी सारी डिटेल आ जाएगी फिर वही क्योस्क आपसे बोलेगा कि अपना हाथ जो है उस क्योस्क पर रख दो, यानी कि वो आपसे फिंगरप्रिंट लेगा, क्या लेगा, फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आपका सारा बोर्डिंग के लिए जो प्रोसेसर है यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, फिंगरप्रिंट लेगा और वो क्योस्क आपके पूरी बॉडी को भी स्कैन कर लेगा, आपके चेहरे को स्कैन कर लेगा। तो इस स्कैनिंग, ये सारी स्कैनिंग में क्या हो रहा है कि आप कि उसने जो स्कैन करके आपसे इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, पीएनआर आपने दिया ही था उसको, आपकी बॉडी स्कैन हो गई, आपका एक जो है बायोडाटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को भूल गया मैं, स्कैनिंग को क्या कहते हैं दूसरे वर्ड्स में, किसी को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, ये बायोचेक हो गया एक तरह का,
तो आपका बायो वेरिफिकेशन भी हो गया। अब मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, दरअसल क्या बोलता है, बायोमेट्रिक, वेरी गुड। तो बायोमेट्रिक हो गया आपका, बायोमेट्रिक हो गया। बायोमेट्रिक का मतलब कि ये सारी हमारी सारी जो स्कैन से सार करके सारी इंफॉर्मेशन क्योस्क ने ले ली। क्योस्क किसका है? एयरलाइन सिस्टम का है, वो एयरलाइंस के सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सारी इंफॉर्मेशन एयरलाइंस के पास चलेगी कि पैसेंजर आ चुका है, उसने अपना चेक इन क्योस्क से कराया है और पीएनआर की इंफॉर्मेशन से अपना स्कैन करा लिया है। उसके बदले में अगर उसकी कन्फर्मेशन कन्फर्म टिकट है, पीएनआर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसके बदले में वो मशीन उसको एक छोटी स्लिप दे देगी जिसे बोर्डिंग पास कहते हैं। ठीक है, अब ये स्लिप अभी एयरलाइंस में अभी एयर ट्रैवल जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो कई जगह देनी होती है। ठीक है ना, तो हमारे हम अपने फोन से बोर्डिंग पास, हमें अपने हमारे पास हमारे फोन में बोर्डिंग पास हो उससे चल जाएगा, हम ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें वो तो चाहिए होगा छोटा सा, उसकी आगे जरूरत पड़ती है। वेब चेक इन से लेने के बाद भी हमें जो है एयरलाइंस काउंटर से वो लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्योस्क में हमें जरूरत नहीं, क्योस्क में सीधे हमें वो स्लिप आ गई। ठीक है, और क्योस्क से ही हमें क्या मिल जाएगा, क्योस्क से ही हमें बोर्डिंग अपना सॉरी टैग भी मिल जाएगा, बैगेज टैग भी मिल जाएगा। आप वहीं पर वेइंग मशीन होती है, वो सारा हम चेक का सिक्योरिटी पे करा करके भी आ रहे हैं, वहीं वेइंग मशीन भी होती है सारा, तो वो आपके बैग को भी जो है क्या कहते हैं बैगेज टैग आपको दे देगा, जो आप बैगेज जो बैगेज आपके जो चेक्ड बैगेज है उसका बैगेज टैग आपने बैगेज बैग पे लगाया, और बैगेज टैग लगाने के बाद आप बैग को उसी के पास एक स्क्रॉल मशीन होती है वहां आप रख देंगे, आपका जो सामान है अपने आप आपके हाथ से चला जाएगा। बैगेज टैग लग गया उस पर, आपने क्योस्क से बैगेज टैग लिया, बैगेज टैग बैग पे लगाया और वहां पे स्क्रॉल मशीन है, वहां से वो चला गया अपने आप। ठीक है, वो एयरलाइंस के पास चला गया, फिर आप जो है फ्री हो गए, आपके पास आपका बोर्डिंग पास आ गया। बोर्डिंग पास पे इंफॉर्मेशन है आपकी जो है टर्मिनल नंबर की तो है ही, टर्मिनल पे तो ले रहे हैं आप, बोर्डिंग गेट की है इंफॉर्मेशन सॉरी उसमें, और सारा आपका ट्रैवल डेट टाइम और फ्लाइट नंबर कौन सा है, बोर्डिंग गेट कौन सा है। आप बोर्डिंग सॉरी आप बोर्डिंग पास को ध्यान को देखते हुए आप जो है इमिग्रेशन चेक की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन चेक वो इम्पोर्टेंट है, वो तो वहाँ होना ही होना है। ठीक है, वो तो किसी कंट्री का चेक है, ठीक कस्टम चेक है, वहां पर आपके फिर द्वारा पासपोर्ट डिटेल ये चेक करते हैं, बोर्डिंग पास चेक करते हैं कि यू आर द राइट पैसेंजर और नॉट। ठीक है, कोई फॉल्स तो नहीं है, ठीक, या आप पासपोर्ट को गड़बड़ करके तो नहीं आ गए हैं, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न का मैटर है। इमिग्रेशन चेक तो होगा ही होगा, वहां से पास होने के बाद आप बोर्डिंग गेट पर जाते हैं और बोर्डिंग गेट पर आप बोर्डिंग पास से अपना चेक इन, तो यहाँ इस तरह से पूरे चेक इन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो आपने क्योस्क में भी सारा चेक इन का प्रोसेस यहाँ किया, तो ये सारा एक ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने क्योस्क में भी की एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम पे चली गई। एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे गई? EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इस पूरे चेक इन प्रोसेस को जो अभी डिस्कस किया है पूरा टोटल, इस पूरे सिस्टम इस पूरे चेक इन प्रोसेस को हम जो है ई टिकटिंग कहते हैं। ठीक है, या ऑटोमेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है इसमें किसी को? एक वीडियो देख लेते हैं फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? किसी की आवाज नहीं आ रही? यस सर। यस सर, हर को समझ में आ गया। EDI समझ में आ गया? EDI कैसे काम कर रहा है? EDI कैसे काम कर रहा है? आ गया। हाँ, तो ये सारा काम आपका बैकग्राउंड में कौन करके देता है आपको? GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बैकग्राउंड में जो सिस्टम काम कर रहा है, जो एयरलाइंस के पास भी है, ट्रैवल एजेंट के पास भी है, तो वो सिस्टम है GDS। और वही सिस्टम किसी एयरपोर्ट के पास है या फिर कनेक्टिंग एयरपोर्ट के पास है, कनेक्टिंग एयरलाइंस के पास भी वही सिस्टम है। तो इसी सिस्टम से सारा जो यानी कि अमेडस आप कर रहे हो ना यहाँ पर, ये सारा सिस्टम से ही सारा काम होता है। बैकग्राउंड में चाहे आप एक बार बता, हेलो, बुकिंग कर रहे हो आप ऑनलाइन, घर से ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो या ट्रैवल एजेंट से बुकिंग कर रहे हो, आपको यहाँ पर घर से बुकिंग करोगे तो आपको दिखाएगा कि आप वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या काम करता है? बैकग्राउंड में सिस्टम होता है कौन सा? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर एक बार DHA बता दीजिए, DHA कैसे करना है?
एक मिनट होल्ड करना। यस सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा भी जाना पड़ा था। बताओ क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर डीएचए सर वो डी समझ में आया नहीं आया ये बताओ बस पहले। हाँ सर अभी का तो आ गया, यानी जो मैंने बताया तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डीएचए में इंटरेस्ट आ गया सीधे। जब क्लास चली तो क्लास की बात करेंगे ना, और यहाँ पर ये सब कौन ड्रॉ कर रहा है, ये डिस्करेक्ट क्यों हो रहे हैं बच्चे आज? सर नेटवर्क यहाँ पे बारिश हुई थी तो सर इस वजह से नेटवर्क बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जिस दूसरी क्लास के बच्चे आ गए हैं ये सर निकालो, सेकंड ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा जब टाइम होगा जब भी मैं आपको एंट्री दूंगा, आप लोग क्यों जल्दी घुस जाते हो? गुड मॉर्निंग सर, आपने 9 बजे भी बोला था सर, इस वजह से सर उनकी तरुण सर की मीटिंग ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा ना, आप इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं? एक क्लास खत्म हो उसके बाद ही, ठीक है मुझे पता है टाइम का, आपको भी पता है। चलो ठीक है मैं इस क्लास को अभी ड्रॉप करता हूँ। हाँ तो ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है, यही ऑटोमेशन होता है, ये इसी को ई टिकटिंग प्रोसेस कहते हैं, ये सारा ई टिकटिंग से हो रहा है, ठीक है?
अब जैसे जो वो उसने बुकिंग किया ट्रैवल एजेंट जीडीएस पे किया, तो जीडीएस पर बुकिंग का सिस्टम हो गया सीआरएस। ध्यान से एक बार और सुन लो स्टूडेंट्स, और सेकंड ईयर का कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी थोड़ी सी बात बताने दो बच्चों को। ट्रैवल एजेंट जब बुक कर रहा है अपने जीडीएस से, तो बुकिंग कर रहा है वो सीआरएस सिस्टम में। जीडीएस का एक पार्ट है सीआरएस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। तो उसने जीडीएस पर रिजर्वेशन किया रिजर्वेशन सिस्टम से उसने बुकिंग किया। और जीडीएस क्या है कि जीडीएस एक्चुअली कनेक्ट करता है कस्टमर को ट्रैवल एजेंट से, ट्रैवल एजेंट को एयरलाइंस से, एयरलाइंस को एयरपोर्ट से, फिर देन कनेक्टिंग एयरलाइंस से, कनेक्टिंग एयरपोर्ट से, एंड देन फाइनल डिपार्चर पॉइंट यानी कि फाइनल एयरपोर्ट से। तो ये जो सारा कनेक्शन का टाइम है, काम है, फ्रॉम एयरपोर्ट टू लास्ट एयरपोर्ट, फ्रॉम फर्स्ट एयरलाइंस कनेक्टिंग एयरलाइंस एंड लास्ट एयरलाइंस, ठीक है ना, फ्रॉम कस्टमर टू ट्रैवल एजेंट, ये जो सारा कनेक्शन है जिसके थ्रू क्लाउड में सारा डाटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, एंड दैट पार्टी टू अनदर पार्टी, अनदर पार्टी टू अनदर पार्टी, थर्ड पार्टी टू फोर्थ पार्टी। ये जो आपका डाटा, किसी कस्टमर का सारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उसकी सारी टिकटिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ये सारी ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसके पीछे, उस सिस्टम को हेल्प, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को जो हेल्प करता है, ईडीआई को जो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं जीडीएस। बुकिंग सिस्टम आपका सीआरएस है जो जीडीएस का पार्ट है, बुकिंग सिस्टम आपका सीआरएस है जो जीडीएस का पार्ट है, और जीडीएस एक नेटवर्क में ये आपके किसी कस्टमर के इंफॉर्मेशन को जो है शेयर करता है या ट्रांसफर करता है, नेटवर्क में उसे आगे ले जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? थर्ड ईयर समझ में आ गई इतनी बात? सीआरएस क्या है, जीडीएस क्या है, ईडीआई क्या है, ये कैसे काम कर रहा है बैकग्राउंड में, इसी सारे सिस्टम को ऑटोमेशन कहते हैं, इसी सिस्टम को हम जो है ई टिकटिंग कहते हैं। इज इट ओके? ऑनलाइन से टिकट बुक कर देना ई टिकटिंग नहीं हुआ, इसके पीछे की सारी चीज को समझना, जानना वो कैसे आगे प्रोसेस हो रहा है, दैट इज व्हाट द ई टिकटिंग। तो आज के लिए इतना ही कि आपका जो है प्रैक्टिकल का कुछ पार्ट ले लिया हमने, कि जो ई टिकटिंग का प्रैक्टिकल का पार्ट था वो आज हमने इस पर कवर किया। बाकी इसका सेल्फ चेक इन का आप एक आध वीडियो देख लेना, कल हम कोई इसको वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक वीडियो में शेयर भी कर दूंगा, ओके, बट आप लोग खुद करना इस चीज को। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फॉर थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर वाले बच्चे अभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, दोबारा कनेक्ट करूंगा, ठीक है सर? डीएचई के मार्क्स नहीं मिले अभी, मैं अभी दूंगा उसको, चेक करूंगा बेटा अभी थोड़ा टाइम। सर डीएचई ड्रॉ करके देना है या सिर्फ उसके स्टेप्स लिख दें हम? मैं कौन से वाले में सर? जिसमें ड्रॉ बताया आपने उसमें भी स्टेप्स लिख दीजिए। चेकिंग के लिए जो एयरपोर्ट आपको बनाना है, एयरपोर्ट को आपको उसे 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 उस पर क्या क्या स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाना है, चेक इन प्रोसेस दिखाना है, उस पर चेक इन के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, चेक इन के, ठीक है, चेक इन काउंटर से जब चेक इन करते हैं तो सारे चेक इन स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, फ्रॉम सिक्योरिटी चेक, पार्किंग भी लिखना है, एयरपोर्ट बनाना है, बाकी सारे स्टेप्स हमें लिखने हैं, एयरपोर्ट बनाना भी है उसमें आपको। कल बात करेंगे एक साथ, मैं एक साथ सबसे बात नहीं कर सकता, अभी कल बात करेंगे। आपको एयरपोर्ट बनाना है और वहां पर आपको ये स्टेप्स बाय स्टेप चेक इन प्रोसेस दिखाना भी है, ज्यादा प्रोसेस थोड़ा ना, वो दिखा सकते हैं आप, लिख के बता सकते हैं, एयरपोर्ट बनाना भी है और आपको दिखाना भी है, ये सारी चीजें याद करो, मैंने आपसे एक बार पहले बनवाया भी था। तो इट्स एंड फॉर द डे, टुमारो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट। Thank you, sir. Okay. Thank you.